अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन भुना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही सुंदर सुंदर ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं चिकन भुना की। तकरीबन मैंने आधा किलो चिकन लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, मैंने बोनलेस नहीं लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे मैरिनेट करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे और ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच ये डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल के इसे आधे घंटे तक मिलाकर रख देंगे। इससे चिकन जूसी और एकदम अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा। इसके बाद जो मसाले लगेंगे वो बता रही हूँ मैं। हमने ये मैंने 2 बड़ी प्याज है, मतलब बड़ी प्याज है उसको बारीक चॉप करके रखा है और 2 बड़े टमाटर हैं उसे चॉप करके रखा है। और जो खड़े मसाले लगेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जो ड्राई मसाले खड़े मसाले लगेंगे वो ये है, 2 चम्मच मैंने खड़ी धनिया लिया है, 1 छोटा चम्मच सौंफ लिया है, 1 जावित्री लिया है, 1 चक्री फूल लिया है और 2 छोटी इलायची है और 3 बड़ी इलायची है और 5-6 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है 2 छोटा, 2 छोटे तेज पत्ते हैं और 1 छोटा चम्मच जीरा है और 1 चम्मच काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च है। काली मिर्च थोड़ा हमने ज़्यादा डाला है क्योंकि काली मिर्च से इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इसे हम पैन में गरम कर देंगे, गरम करके फिर ठंडा रोस्ट कर लेंगे, रोस्ट करके फिर ठंडा करने रख के फिर पाउडर बनाएंगे। ये थोड़ा रोस्ट ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, सिर्फ हल्का सा गर्म हो जाए बस। ऑलरेडी पैन गरम था, हमारा ये गरम हो गया, अब हम इसे साइड कर देते हैं तो ये साइड हो जाएगा, ये गरम होते रहेगा। अब हम पैन रखते कढ़ाई रखते हैं इसमें जिसमें हमें चिकन बनाना है। अब ये गरम हो जाए तो इसमें हम ये अभी कढ़ाई गरम हो गई, इसमें मैं 2 चम्मच हम 2 चम्मच बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर तेल गरम हो जाए तो हम ये चॉप अनियन जो है इसे हम डाल देंगे इसमें और ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसे लाल होने देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। अब प्याज हल्की ब्राउन हो गई है और थोड़ी नरम हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये भुना मसाला है, बाद में और भी प्याज भुनी जाएगी, हम ये टमाटर जो चॉप करके रखे हैं वो डाल देंगे। डालकर इसे ढाक कर धीमी आंच पे रख देंगे जब तक ये टमाटर मेल्ट ना हो जाए। जब तक टमाटर हो रहा है हम ये मसालों का पाउडर बना लेते हैं। अब ये देखिए धीमे धीमे पक रहा था, टमाटर नरम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे में मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल देंगे। पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, इसी में पानी रिलीज होगा और इसी में अच्छा मसाला पकेगा। फिर चलाकर हम धीमी आंच पे इसे ढाक कर थोड़ा रख देते हैं, अच्छी तरह मिक्स हो जाए प्याज और टमाटर, फिर हम मसाले डालेंगे वो बता रही हूँ आपको। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च देगी मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी और ये 3 हरी मिर्चें काट के रखे हैं हमने और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाल देंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से थोड़ा डालेंगे क्योंकि मैरिनेशन में भी हमने थोड़ा डाला था, इसलिए आप थोड़ा डालेंगे और गरम मसाला थोड़ा सा और बाद में हम पाउडर मसाला 1/2 चम्मच से भी कम गरम मसाला डाला है मैंने और धनिया पाउडर नहीं डाला है, उसमें पीसा है मैंने। अब इसे ढाँक कर हम 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे, पकने देंगे, पानी रिलीज हो जाए, फिर इसमें क्या डालना है आपको बता। अब 7-8 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन उठाकर देखते हैं। देखिए पानी तो रिलीज हुआ है, इसी में पक रहा है। देखिए अब ये मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब हम ऐसे मोड़ पे ये जो 2 चम्मच दही का डाल देंगे, दही हो तो दही नहीं तो क्रीम भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, इससे ग्रेवी अच्छी होती है। अब ये दही डालकर हम 5 से 7 मिनट तक ढक्कन ढाक कर तेज आंच पे रखेंगे।
फिर हम ये पाउडर मसाले इसमें डाल देंगे और फिर इसे तेज आंच पे चलाएंगे। फिर हम ढक कर इसे 5 मिनट पकने देंगे। खूब अच्छी तरह 10 मिनट तक भूनेंगे, नीचे लगने ना पाए। और आज एकदम मीडियम रखा है मैंने आज, और इसे खूब भून भून कर चलाते रहेंगे और ढक देंगे, फिर चलाएंगे, फिर ढक देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक ये प्रोसेस होने दे, इसके बाद हम इसमें क्या मिलाना है वो बताऊंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, देखिए पूरी तरी बाहर अलग हो गई है, सेपरेट हो गई है। अब हम इसे चला देंगे। अगर थोड़ा सा हम इसे ग्रेवी बनाएंगे, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, ताकि मसाला सबको। हाँ, अब मिला दिए हमने, हमने थोड़ा सा पानी मिलाकर इसकी ग्रेवी और अच्छी बना दी है। और सूख रही थी तो इसके लिए हमने उसमें डाल दिया। अब हम इस पे कसूरी मेथी थोड़ी सी मसल के डाल देंगे और थोड़ा सा पुदीना सूखा हुआ है, अगर ताज़ा हो आपके पास तो ताज़ा, नहीं तो हम ड्राई डालते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये डाल दिए और थोड़ी सी धनिया डाल के बस 5 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब 5 मिनट हो गया कसूरी मेथी डालकर, देखिए अब अच्छा पक गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, पाव के साथ, हर एक चीज़ के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।